फुरम, अभी भी आप इस बात पर कायम है कि आखिरी तीन टीमों के दरमियान मुकाबला होगा ऊपर जाने? बिल्कुल, मैं अपनी बात पे बजीत हूँ। आखिरी तीन टीमें चौथी पोजीशन के लिए आखिरी चार मैच इस्लामाबाद और कराची, इवन क्लोज मैच भी होगा ना, इनको एज मिल जाएगा जिसका अच्छा। भी क्योंकि जहां पॉइंट टेबल में टाई पड़ती है आपको एक रन पे मैंने देखा ऊपर नीचे होते हुए। तो ये आखिरी जो तीन टीमें होगी ना, अब ये डिसाइड करना आप स्टैंड कहां कर रहे हैं। अगर आप बॉटम थ्री में आए हुए हैं ना तो आपके साथ बहुत मुश्किल है क्योंकि आप उसमें से एक ही जाएगी। ठीक है, तो कोशिश यही होगी और मुझे पूरा बिलीव है लाहौर और इस्लामाबाद दोनों जो ऐसी टीम है ये डेंजरस टीम है, क्रिकेट बहुत डेंजरस खेलती है, ये वापस कम अनप्रिडिक्टेबल टीम है, ये किसी दिन बहुत आउटस्टैंडिंग खेलती है, कभी कभार ऐसा होता है ये क्या हुआ। सही, तो ये चीज है। तंदीर, अगर आप देखें मुल्तान, क्वेटा और पिशावर, ये तीन टीमें तो ऐसा लग रहा है कि क्वालिफाई कर जाएंगी प्ले ऑफ के लिए अनटिल एंड अनलेस कोई गड़बड़ ना हो। बाकी तीन टीमों में मुकाबला है लाहौर, उसके अलावा लाहौर की इस्लामाबाद, लाहौर की बात करते हैं उनके तो पांच मैच हुए हैं, उनको तो अब सारे मैच जीतने, उनका तो कोई पॉइंट नहीं, उनका लाहौर में कोई मैच नहीं ना, अब उन्हें बाहर निकल उनको के खेलने तो जीतने जीतने हैं। अगर अब लाहौर की टीम एक मैच भी हार गई तो वो बिल्कुल रेस से बाहर हो जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि टूर्नामेंट से बाहर हो गए। बाकी जो टीम्स हैं जिस तरह कराची किंग्स है या इस्लामाबाद है या ऊपर जलमी भी है, अब जलमी अगर पांच में से तीन मैच जीती हुई है, छह पॉइंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीचे नहीं आ सकती, ये भी आ सकती है, कोई पता नहीं है कि नीचे की टीम। मैं कराची किंग और यूनाइटेड की इसमें से बात करूं क्योंकि यूनाइटेड के चार मैच है उनके तीन हुए हैं, लाहौर का अब कोई चांस नहीं, उनके पास फिर भी चांस है, एक दो मैच कहीं हार गए उसके बाद जीतते चले गए शायद कहीं सिलसिला हो जाए, लेकिन इनके लिए सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, इनके लिए रन रेट भी बहुत अच्छा करना है। इसीलिए कह रहे थे कि आज का मैच अगर इस्लामाबाद की टीम जीत जाती तो इनके पास चार पॉइंट हो जाते और इनको जरा एक थोड़ा इनको एक सांस में सांस आती, चलो यार एक मैच जीते। और ये वो टीम है जो पहला मैच लाहौर कलंदर को हराने के बाद अपनी गलतियों से हारे पहला आठ विकेट तो, लेकिन अगर आप देखें सिवाय दो टॉप की टीमों के बाकी सब टीमों का नेट रन रेट माइनस में, खास बात वो दोनों टीमों ने मैच भी जीते हुए ना, मुल्तान का और क्वेटा का दोनों, एक ने चार मैच जीते हुए, एक ने तीन मैच जीते हुए, उनका ऑब्वियसली बात तीन तो पिशावर ने भी जीते हैं, अब नहीं अब जीते हैं मगर उनका क्लोज मैच है ना आखिरी आखिरी बॉल तक है, लेकिन नेट रन रेट अगर आप देखें तो सबके माइनस में पिशावर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर। और अभी वही वाली बात है कि सर थोड़ा सा अभी जैसी आधा होगा ना टूर्नामेंट, सही मालूम है 13 मैच हो गए, 34 मैचेस होने, अभी 21 मैच बाकी है, जब आधा होगा ना टूर्नामेंट सही सर मजा तब आना शुरू होगा जब टीमों को सही मालूम आप लगा कि ये मैच हारे तो ये हो जाएगा हम बाहर हो जाएंगे, जिस तरह अभी तनवीर भाई ने सही कहा कि लाहौर को अब बिल्कुल नेक टू नेक आ गए, एक मैच का मार्जिन और है, अगर वो भी हारते हैं फिर तो आपको चार कंसेक्यूटिव जीतने हैं, वरना एक भी और आ रहे तो आप टूर्नामेंट की लाइन से बाहर हो जाएंगे। लाहौर को हारिस रऊफ के अनफिट हो जाने की वजह से पूरे टूर्नामेंट से आउट हो गए, नुकसान होगा ना बहुत। मेरे ख्याल है हारिस रऊफ आखिरी मैच में बहुत आला उसने बॉलिंग की जो जिसमें वो जख्मी हुआ है। नहीं मेरे ख्याल में हारिस रऊफ की जो फॉर्म चल रही थी लग आ रहा था फॉर्म में आखिरी मैच तो आया, रन्स तो दे रहे थे, खैर नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लाहौर कलंदर को कोच भी चेंज कर लेना चाहिए जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं ना। वो तो शुरू में जब चार टूर्नामेंट हुए आखिरी नंबर पर आई लोगों ने बहुत शोर मचाया कोच चेंज करें, नहीं किया। 2020 में लाहौर कलंदर फाइनल में पहुंची, कराची किंग्स ने हराया, फिर 2022 और 23 का टूर्नामेंट जीती तो कोच तो नहीं। कहने का मकसद ये है कि एक टीम दो दफा जीती, एक लड़का नहीं सिर्फ राशिद खान, और आपकी टीम इतनी डिस्टर्ब क्यों हुई हुई है ये मेरी समझ से बाहर है, क्यों डिस्टर्ब हुई हुई है, मतलब क्या सिर्फ कोच का इसमें कसूर है, कोच कप्तान सब दोनों क्योंकि आप कह रहे कोच बदल दे, नहीं कोच भी बदल देना, उनको पता नहीं समझ क्यों नहीं आ रही। कल के मैच के बाद मतलब कह रहा हूं राशिद सही रहे, कल के मैच में मतलब डिसीजन जो कार्लोस ब्रैथवेट और उसको नहीं भेजा उससे पहले भी मैच में भी, देखिए राशिद खान अगर नहीं है आपके पास सिकंदर रजा, आप उससे बॉलिंग नहीं करवा रहे, आप उससे बैटिंग नहीं करवा रहे, आप ब्रैथवेट से बैटिंग नहीं करवा रहे, आप जानदाद को ऊपर भेज रहे हैं, एहसन भट्टी पता नहीं कहां से उठ के सारे आ गए हैं उनको ऊपर भेज रहे हैं, वो इनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मतलब देखिए बात सुने इकबाल भाई सबको पता है भाई आपने एक एकेडमी लगाई हुई है वहां पे पूरा पूरा साल ट्रेनिंग सेशन चलता है सबको पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एकदम से ऐसे लड़के को आप ऐसे प्लेयरों के ऊपर लेके आ जाए जो दुनिया की लीग खेल रहे हैं, वो बात ऐसा नहीं होता, आप जरूर ऐसे लड़कों वो को यंग लड़कों को चांस देते हैं, एक फास्ट बॉलर था दिलबर हुसैन, असल में मसला पता है क्या है, उसको चांस दिया, मैं कई एग्जांपल दे सकता हूं, मिर्ज़ा ताहिर बेग एक ओपनर था, दानियाल दा एक लेग स्पिनर था, असल में प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि
मुझे ऐसा लगता है कि शायद लाहौर कलंदर वालों को थोड़ा सा नशा इस चीज का लग गया है, हर साल कोई ना कोई प्लेयर इनका आके पाकिस्तान खेल जाता है, तो ये समझते हैं कि लेके आ जाओ, इंट्रोड्यूस कराओ किसी नए लड़के को, कोई भी आएगा थोड़ा बहुत करेगा। मुझे लगता है जानदाद वान पे शायद थोड़ी सी नजर थी इनकी कि इसको जरा आगे लेके आ जाओ, ये भी पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि ये बड़ा जबरदस्त था, लाहौर कलंदर ने बड़ा जबरदस्त काम किया, वो आ गए। फिर थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद आकिब भाई बोलेंगे जानदाद को वनडे खिला देते, ये टेस्ट खिला देते, वो नहीं करता, फिर आके कहते कि नहीं नहीं ये तो T20 का प्लेयर है, ये वनडे टेस्ट का है। मैं थोड़ा सा आज के मैच पे यूनाइटेड की टीम पे बात करना चाहता हूँ। देखिए मुझे ऐसा लगा कि यूनाइटेड का जो प्लेइंग 11 का जो कॉम्बिनेशन है ना वो सही नहीं है, वो ऑलवेज चल रहा है बिल्कुल जैसे पहले था वैसे अभी हुआ। आज भी इन्होंने दो चेंजिंग करनी चाहिए थी, क्यों कर रहे हैं कुछ समझ से बाहर है। रोमान बैठने वाला बॉलर नहीं है, उसको किसको खिलाया रोमान? आज फहीम अशरफ को खिला दिया। आप फहीम अशरफ को खिला रहे हो, फिर एक लड़का और है, मैं लास्ट मैच में टाइमल मिल्स की जगह खेला, मतलब मैं रुमान रईस। मैं बता, आज आपने आप एक मिसाल है, अगर आप किसी को खिला भी रहे हैं, अगर वो परफॉर्म कर रहा हो ना चले बहुत ही अच्छी, अभी वो फॉर्म में रिदम में नहीं है, आपकी टीम को जीत की जरूरत है। आप शुरुआत हार गई नहीं, इतना अच्छा शुरुआत आपने टूर्नामेंट की, पहला मैच 8 विकेटों से जीते, उसके बाद आपने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज, सारे नंबर आगे पीछे, अच्छा जी 2 प्लेयर चेंज 3 प्लेयर चेंज। मैं हैरान, 2 प्लेयर आज बनते थे खेलना। नंबर 1 गप्टिल बैठने वाला नहीं है, जितनी अच्छी फॉर्म में है ना, अभी लीग वगैरह खेल तो कल ही आया ना, नहीं आया ऐसे भी है, रात को आया सुबह मैच खेल गया। आज उसका इंटरव्यू में देख रहा था कि अभी मैं आया हूँ, मेरे ख्याल में वो खुद भी मेंटली तैयार नहीं होगा, या इन्होंने उसको नहीं खेला इस तरह का। अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की नजर डालें कि उन्हें लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 8 विकेटों से मैच आप जीते हैं, दूसरा मैच 5 विकेटों से, उस तीसरा मैच 3 विकेटों से, आज 8 रन से हारे, तो 2 गुज़िश्ता मैचेस तो क्लोज आकर हारे ना, वो क्वेटा के खिलाफ भी और आज जो है जिस तरीके से पिशावर के खिलाफ हारी। नहीं आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रही, आप ऑलराउंडर्स को डाल लें, मगर वो खाब ऑलराउंडर है नहीं है, नहीं है, आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप एग्री करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का 11 मेंबर्स का कॉम्बिनेशन सही है? देखिए मैं तो जितने 2-4 उनको तो वैसे ही रेलू कटा माजरत के साथ बोलता हूँ, ऑलराउंडर तो मुझे कहीं से लगते नहीं। नुकसान कौन? नुकसान किस चीज के हो रहा है? कौन कौन? हर आपको पता है मैं कितनी दफा बात करूँ 5-4-5 हैं जिनको ऑलराउंडर बोला जाता है। देखें इनको नुकसान क्या हो रहा है, मैं पहले दिन से हम कह रहे हैं कि भाई इनका मिडल ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, ऊपर के प्लेयर्स अगर नहीं करेंगे उसके बाद कहाँ है मिडल ऑर्डर? शादाब के ऊपर आप जा सकते हैं, शादाब वन डाउन पे जल्दी आउट हो गया, सही है? नहीं वो है ही नहीं, और मैंने आपसे याद आपको पहले मैच में बोला था शादाब ने 70-75 रन की इनिंग खेली, अब पता नहीं आगे कैसी खेलेगा। उसके बाद अमाद वसीम कोई परफॉर्मेंस नहीं, बेन स्टोक पाकिस्तान का, फहीम अशरफ कोई परफॉर्मेंस नहीं, तो भाई इनसे नुकसान है। हुनैन शाहवा के ऊपर आप क्रिकेट खेलेंगे, भाई वो यंग लड़का है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पेस अच्छा है, सीख रहा है, सब कुछ है। नसीम शाह का कमबैक हो रहा है, वो उस फॉर्म में नहीं है, तो मुश्किलात हैं है इनके पास। आज भी देखें आप, टाइम मिल्स ने 2 में 30 दिए, वो एक्सपेंसिव है वो। और आप एक और चीज ने जो 100 बॉल के बाद उसने कहीं क्रिकेट नहीं खेली, डायरेक्ट यहाँ आया, उसकी जगह पे रुमान रईस आया था।